हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे। और ये मेरा है फेसबुक पेज का सेकंड ब्लॉग्स। और मैं अभी हूँ किचन में और शाम के बज रहे हैं 6:30, यानी 6:30 हो रहे हैं। भिंडियों को मैंने धुल लिया है और मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी आज शाम के खाने में। और दूध भी मैंने बॉयल कर लिया है, ठीक है ना। ये भगवान जी के बर्तन रखे हैं, इनको साफ़ करना है। तो ये मेरा किचन है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, ये मेरा किचन है। और ये मेरा बहुत पुराना किचन है, मेरे चाची सास की शादी के बाद बना था ये, तो ये बहुत टाइम पहले का है किचन। तो पहले ऐसे ही चलते थे ना, तो ऐसा ही है ना, आप लोग देख सकते हैं। और आगे ब्लॉग्स में और अपर्णा इधर कर तो आप लोग देख सकते हैं, मैं बना रही हूँ पूड़ियाँ। इस सुबह का आटा रोटियों का रखा था तो फ्रिज में रख देते हैं, थोड़ा सा टाइट सा हो जाता है, ठंडा ठंडा आटा रहता है। शिवांश को खाने हैं पूड़ियाँ, तो मैं सोच रही हूँ शिवांश को पूड़ी बना दूँ, क्योंकि बच्चों का मन होता है कुछ। अब उसने रोटी खा ली थी तो उसका बिल्कुल मन नहीं है, क्योंकि उसे पूड़ी बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा पूड़ी खाता है वो। तो अभी उसने रोटी खा ली है तो उसका बिल्कुल मन नहीं हो रहा था रोटी खाने का, और कह रहा था माँ मुझे पूड़ियाँ खानी हैं। तो मैंने कहा चलो मैं उसके लिए पूड़ी बना देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मैंने ये पूड़ियाँ बना ली हैं शिवांश के लिए और ये बन गई हैं ज़्यादा, तो मैं भी खाऊंगी और शिवांश भी खाएगा, वो भी भिंडी की सब्ज़ी के साथ, क्योंकि हम दोनों माँ बेटे को ना भिंडी की सब्ज़ी के साथ पूड़ियाँ बहुत ज़्यादा पसंद है। और शिवांश को पूड़ी तो वैसे भी पसंद है, लेकिन भिंडी की सब्ज़ी भी उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो दोनों माँ बेटे खाएंगे, क्योंकि बेटी को पूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, इसलिए वो तो मना कर रही थी अपर्णा कि मैं नहीं खाऊंगी, और इनके पापा जी भी नहीं खाएंगे। तो मैं और शिवांश खाऊंगी पूड़ियाँ और ये लोग खाएंगे रोटियाँ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और मेरे तो फ्रेंड्स, ये भिंडी की सब्जी और आम का अचार, और ये आम का अचार ना मेरी मम्मी के हाथ का कौस से आया है। मम्मी के हाथ की तो बात ही अलग होती है, बहुत दूर से आया है ये अचार 10 घंटे चल के। तो आप लोग भी आ जाइएगा, मैं और शिवांश खाने जा रहे हैं।